विशेषाज भाष्य की एक नमस्कार निर्वृत्ति पढ़ लो, सिर्फ इतना। तुम्हारा सब रमन माने माने दुनिया की कोई चीज आपको हिला नहीं रही, फिर एक नमस्कार निर्वृत्ति में पढ़ लीजिएगा, मिरेकल मिरेकल। झूमने का मन होगा कि भगवान ये आपकी ताकत, ये क्लैरिफिकेशन। सच बताऊं, संपत्ति श्रेणी के बाद ज्यादा कि साली भद्र के बाद ज्यादा? नहीं आप बोलो बराबर। फिर भी सत्ता का पुण्य किसके पास था? माने साली भद्र की भी किसको मजबूर था झुकने के लिए? श्रेणी को। संपत्ति पुण्य साली भद्रागर पर सत्तानु पुण्य श्रेणी कागर, इतने साली भद्र ने पण श्रेणी ना चरणमा नमस्कार करवा पड़ता था। आठे आठ कर्मनो क्षय ये संपत्ति छे, और अरियंत आगर तीर्थ की स्थापना की सत्ता छे। तीर्थ की स्थापना करने का राइट केवल नानी को नहीं, वो तीर्थंकर को ही रहता है। माने संपत्ति के क्षेत्र में सिद्ध भगवान आगे है, मगर सत्ता के क्षेत्र में अरियंत परमात्मा आगे, इसलिए सबसे पहला नमस्कार बराबर है ना? सबसे मे बी पॉसिबल नरेंद्र मोदी अब्जो रुपये वाले कहीं होंगे, मगर प्राइम मिनिस्टर वही कहा जाता है। अनर्थ सत्ता न पुण्य संपत्ति ना पुण्य करता पण चढ़े। अरियन परमात्मा फाउंडर है, हर कोई केवल नानी भी पूरा जगत का दर्शन करता है, मगर सत्ता स्थापन करने की तपन्या उसके पास नहीं है। एक बार बताऊं, महावीर को केवल नान हुआ तब पूरा जगत का जितना दर्शन हुआ वही दर्शन केवली को हुआ होगा ना, मगर कोई केवली भगवान ने तीर्थ की स्थापना नहीं की, क्योंकि सत्ता का पुण्य अरियन के पास होता है, सिद्ध भगवान के पास नहीं होता। भगवान आप फाउंडर हो, मेरे सुख का, सुख को उदयमा लेने वाले पुण्य का, पुण्य के बंद कराने वाले धर्म का, और धर्म की स्थापना करने वाले तीर्थ।